केदारनाथ मध्येश्वर रुद्रनाथ क्या चीज़ है। हमारा तो मन्नत ये है कि मेरे बहन की जरा प्रॉब्लम है ना, थोड़ा सा घर में वो है, चल नहीं पाती है तो दार्जिलिंग से पैदल। दार्जिलिंग ये दूसरा देश है ना? ना हम लोग सिक्किम से आए, सिक्किम से आए, सिक्किम से आए। कुछ कहते तो ये करा हूं। हर हर महादेव। सिक्को सिक्को भाई, जितना गर्मी भाई ये धारा का मजा लेते हुए। एंड वेलकम बैक टू माई न्यू वीडियो। तो होप सो आप लोग अच्छे ही है एंड अच्छे ही रहे हैं। सो हम लोग अभी निकल चुके हैं यहाँ से, रूम से। ये चेक कर सकते हो गाइज, आज का कितना अच्छा दिख रहा है ये पहाड़ियों का इलाका भी। दौड़ने का मजा ही कुछ अलग है। कल रुके थे हम लोग कर्णप्रयाग में, जो कर्णप्रयाग है और वहाँ पे दो रिवर का आके गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, दो रिवर का आके संगम हो जाता है ना। एक है आपका अलकनंद और फिर एक आपका पिंड रिवर। तो आज हम लोग वहाँ से सुबह सुबह निकले, 5:30 बजे तो निकल गया था रूम से। तो अभी चेक कर सकते हैं कितना ऑसम जगह पे हम लोग दौड़ रहे। ऐसा माउंटेन में आपका दौड़ नहीं, कुछ अलग मजा होता है। भाई निकल गया है आगे आगे, मैं हूँ थोड़ा पीछे पीछे। तो होप सब आप लोग हम लोग का ब्लॉग एंजॉय कर रहे होगे ना। कोई कोई हम लोग तो मिस पॉइंट आपको छूट जाता है, क्योंकि वैसे ही है ना, दौड़ के ब्लॉग बनाना थोड़ा टफ ही होता है। तो फिर भी आप सब लोग को थोड़ा थोड़ा बहुत कवरेज देने के लिए ट्राई कर रहे हैं, क्या है क्या नहीं है ना। उतना तो हम लोग को ये प्लेस के बारे में भी नहीं पता, गूगल करना पड़ता है। ठीक है, तो आके जो जो दिखते हैं वो आप सब लोग को बता देते कि क्या नहीं है। तो अभी हम लोग का रह गया बस 120 किलोमीटर। हम लोग का जो टीम था वो कल ही निकल गया है घर से, और कोई तो दिल्ली भी पहुंच चुका है जो जो फ्लाइट पे आया हुआ है, और जो ट्रेन पे आ रहा है वो भी आ रहा है। तो शायद कल परसों मिल जाएंगे हम लोग। वो लोग इधर हरिद्वार से सीधा गंगा जल लेके आएंगे, हम लोग यहाँ से सीधा सीधा जा रहे हैं। देखते हैं शायद गौरीकुंड उधर मिलेगा। और यहाँ पे क्या है ना, हम लोग गूगल कर रहे हैं, फिर जो जो आगे आगे गया दोस्त लोग उसको भी बात कर रहा है। बहुत ही लंबा लाइन है भाई इस बार केदारनाथ पे, बोल रहे कि 90 लाख पीपल से भी ज़्यादा पीपल्स आ रहे हैं। इतना लंबा लंबा लाइन है, दिन भर खड़े रहना पड़ रहा है। ऊपर से वो लोग का सर्वर एकदम नहीं चल रहा है, ज़्यादा भीड़ होने के कारण सर्वर भी नहीं चल रहा है। हम लोग का अभी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, देखते क्या होगा क्या नहीं होगा। ये चेक कर सकते हो गाइस कितना मौसम है, और मेरा ये तिरंगा मुझे वीडियो शूट करने में भी पूरा डिस्टर्ब कर रहा है। कोई बात नहीं, हर हर महादेव, आगे बढ़ते रहो। चलो चलो, ये देख सकते हो इतना नीचे आ गए, इतना नीचे से आया हुआ है हम लोग। कल पूरा थक गया था, पर इतना थक गया था ना, पैर तो सुबह सुबह उठ ही नहीं पाता है, वो ना दर्द कर रहा होता है पैर। फिर भी कोई बात नहीं, जूता का भी एक जूता का भी हालत एकदम घिस चुका है, भाई का तो पूरा घिस चुका है। फिर भी अभी ये म्यूजियम में रखने के लिए ठीक है, ये अपील में ऐसे वीडियो बना के बोलते दौड़ना बहुत ही टफ होता है, फिर भी हम लोग ट्राई कर रहे हैं। तो आपको रूट में आज क्या क्या होगा वो सब कवर करने को ट्राई कर रहे हैं। ठीक है, बस वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है, फिर भी सब ट्राई करने को सब कैप्चर करने को ट्राई करेंगे हम लोग। तो आप लोग कभी भी फ्यूचर में अगर आए तो फिर ये वीडियो देख सकते, देख के आ सकते। चलो गाइस कितना ऑसम दिख रहा है वैली, यहाँ बीच में से एकदम नदी आ रहा है। ठीक है, बहुत ही ऑसम दिख रहा है। आगे आ चुके हैं, ये चेक कर सकते हो गाइज कितना ऑसम पेंट किया हुआ है। वाह, पूरा 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 दीवारों पे केदारनाथ मध्येश्वर तेंगुनाथ रुद्रनाथ कल्पेश्वर। वाह, जस्ट ऑसम।
और आज दौड़ने में भी बहुत बहुत मजा आ रहा है, ये चेक कर सकते हो, आज मजा आ रहा है दौड़ने में भी। भाई आगे आगे निकल चुका है, ठीक है। ये चेक कर सकते हो अभी भी यहाँ पे पेंट, जय जवान। आज ये अलकनंदा नीचे जो रिवर है ना, वो अलकनंदा रिवर, और फिर आज सब पहाड़ी पहाड़ी है। चेक करो गाइस, यहाँ से अभी धूप निकलने ही वाले, निकला हुआ नहीं है। ओप्सो आज थोड़ा कम निकलेगा, क्योंकि जब भी हम घर से निकल गए थे तब से धूप इतना, बाप रे, अभी तक भी हम लोग को धूप ने साथ नहीं छोड़ा है। ये चेक कर सकते हो, मैं तो ये उत्तराखंड के पहाड़ियों का फैन हो चुका हूँ एकदम। ऑसम है यार। हर हर महादेव, हर हर महादेव। 10.5 किलोमीटर हो चुका है अभी, 11 किलोमीटर होने वाला है। मजा आ रहा है इन पहाड़ी को वादियों में दौड़ने के लिए। दोस्तों पहाड़ों का ना एक ही खासियत होता है, ये पानी एकदम जहाँ कहीं भी हर जगह पे पानी मिल जाता है, सब एकदम धारा वाला। इससे क्या होगा कि आपको पानी ज़्यादा खरीदना नहीं पड़ेगा। ओए, वो भी इतना ठंडा, मासूम यार, गुन्ना मजा आ गया। अभी सुबह सुबह धो रहे थे, नहाने का मन कर रहा है यार अभी तो। सो अभी हम लोग 14-15 किलोमीटर आगे आ चुके हैं। सो यहाँ पे देख सकते हैं, हर हर महादेव। कहाँ जा रहे? बद्रीनाथ। ओह ठीक है ठीक है, हम लोग जा रहे हैं केदारनाथ। सब बद्रीनाथ, हर हर महादेव। कहाँ से आए? राजस्थान से। राजस्थान से पैदल? पैदल। हम लोग दार्जिलिंग से आए पैदल। हम लोग दार्जिलिंग से पैदल। दार्जिलिंग ये दूसरा देश है ना? ना, हम लोग सिक्किम से आए। सिक्किम से आए, सिक्किम से आए। हर हर महादेव। कपड़ा नहीं सूखे ना, ये ऊपर ऊपर पगड़ी पे लगा दिया। वाह 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 वाह, इनर वेयर देखो। हर हर महादेव। बहुत दूर दूर से आए यहाँ पे यात्री। हम लोग को ना यहाँ पे रास्ते पे एक भैया मिला, वो अभी अभी केदारनाथ हो गया है। राम राम भैया। राम राम भाई। हर हर महादेव। हर हर महादेव। अभी आप केदारनाथ हो के आ रहे हैं? हाँ जी, मैं यहाँ से चला था जी, ऋषि के हरिद्वार से चला था केदारनाथ। केदारनाथ में पहुंचा मैं 5 दिन, और वहाँ का माहौल ऐसा है ना कि आदमी चाहे जितना भी बुढ़ा हो, उसकी इलाज पहले वहाँ पे चेकिंग होगी, उसको टोकन दिया जाए, टोकन देने के बाद वहाँ पे यात्रा पूरी होगी। बर्फ इतना पड़ता है कि हाथ में लेने से हाथ भी बर्फ बन जाते हैं। दर्शन हो गया आपका? हमारे दर्शन हो गए भगवान। आप यहाँ से बद्रीनाथ करेंगे, फिर गंगोत्री, यमुनोत्री, फिर पशुपतिनाथ, उसके बाद जय बोलेंगे। आप जाएंगे? आप पशुपतिनाथ पैदल ही जाएंगे? हाँ जी, पैदल जाएंगे। इतना क्यों, क्या है आपका इतना हमारा मन लगता है ना, जैसे कि कोई शहर है, शहर में तो गाड़ी में आवाज बहुत आती है, मतलब जैसे ये हमारा पहाड़ी इलाका है, उसमें हमें बड़ा आनंद आता है। ऐसा आनंद आता है कि हमारी सारी जिंदगी हम इसी में गुजार रहे हैं। अच्छा लगता है। हाँ जी, तो आपका कुछ भगवान से कहना है? इतना मन्नत क्या क्या चीज़ का आपका? हमारा तो मन्नत ये है कि मेरी बहन की जरा प्रॉब्लम है ना थोड़ा सा, तो पैर में वो है, वो चल नहीं पाती है, तो डॉक्टर ने कहा था कि इसका इलाज कर हम नहीं कर पाएंगे, कोई और करेगा। हमने कहा कोई नहीं करेगा तो कोई बात नहीं, भगवान भोलेनाथ है, वो देखेगा, सबकी रक्षा करता है। इसलिए हम वहाँ से जय बोले कि चल के यहाँ से निकल पड़े। हमने सोचा कि चलो देख लेंगे। भोलेनाथ आपको बहन का एकदम ख्याल रखेगा, और फिर जल्दी से ठीक कर देगा, ये भी मेरा मन्नती है। ठीक है, हम लोग भी केदारनाथ ही चाह रहे हैं। हम लोग भी नेपाल होके आया, अभी नेपाल से नहीं आया, दार्जिलिंग से आया, नेपाल होके आया। नेपाल। हाँ, अच्छा अच्छा लगा आपसे मिल के। आपके पास पैसा वैसा तो नहीं होगा अभी? है चले, वही आपने दिया था तो नहीं।
ठीक है यहाँ पे भगवान से कितना आस्था जुड़ा होता है ना। चलो, व्हाट इज द रियल मीनिंग ऑफ गॉड? भगवान मतलब क्या है? यही है, बिलीव इज अ गॉड। एक्चुअली बिलीव ही है, भगवान है जो हम लोग विश्वास करते हैं वही भगवान है। कोई किस पे विश्वास करता है, कोई किस पे विश्वास करता है ना। जिसका उसके साथ विश्वास है उसी के साथ भगवान है। तो भैया का स्टोरी सुन के कैसा लगा मेरे को? तो भगवान सबकी भला करे और उसका बहन को जल्दी से जल्दी ठीक कर दे ना। वो इतना मुंबई से, हरिद्वार से केदारनाथ गया पैदल, फिर केदारनाथ से बद्रीनाथ जा रहे पैदल, फिर जा रहे यमुनोत्री, फिर जा रहे गंगोत्री, फिर पशुपतिनाथ, मतलब सब पैदल, वो भी विदाउट मनी, पैसा नहीं है बोल रहे। जहाँ कहीं भी मिलेगा वहीं पे सो जाएंगे, किसी को बोल के खाना खा लेंगे, ऐसा बोल रहे। इट्स वेरी हार्ट टचिंग। भक्त एक लेवल होता है, ये महान भक्त बोलता हूँ मैं इसको। हम लोग भी एक्चुअली भक्ति है, इतना दूर से आया। मैं सोचा था कि हम लोग ही है इतना दूर से आया, जो इतना पैदल करके आया तो भगवान के दर्शन के लिए। अभी यहाँ पे आके मुझे पता चल रहा है कि हम लोग कुछ भी नहीं है, ये सब लोग के आगे हम लोग कुछ भी नहीं है। सो हैट्स अप टू दिस पीपल्स ना। ऐसा अभी देखते हैं कौन कौन क्या खा कहाँ पे क्या मिलेगा। चलो आगे चल के देखते हैं ना क्या क्या होगा, क्या नहीं होगा। बहुत सारे श्रद्धालु लोग इस बार आए हुए हैं, बहुत सारे। मैं ज़्यादा से ज़्यादा उन सब से कांटेक्ट में रहूँगा, बात करूँगा, ठीक है। क्या है क्या नहीं है वो देखते हैं। भोलेनाथ सबके साथ सबका प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन, गॉड। रुद्रप्रयाग से थोड़ा ऊपर आ गया हम लोग। यहाँ पे जो फेमस है रुद्रप्रयाग में संगम, वो देखने के लिए ये, जैसे कि आप देख सकते हैं जो ये नदी, हम लोग आए थे इस रास्ते से आए थे। सो ये नदी है आपका अलकनंदा नदी, जो ये बड़ा वाला है, ऊपर पानी पड़ने की वजह से शायद ऐसा हुआ होगा। और फिर जो ये नीला वाला है ना दूसरा, ये है आपका मंदाकिनी रिवर। ये दोनों मिल के इधर हो गया आपका रुद्रप्रयाग। यहाँ पे इसीलिए इसको रुद्रप्रयाग बोलते हैं। और फिर यहाँ पे रुद्र भगवान का आपका मंदिर भी है बोल रहे। सो बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके, एकदम मन खुश हो गया। अभी यहाँ से हम लोग का जो है केदारनाथ, वो बस 89 किलोमीटर्स ही है। 89 किलोमीटर्स आज हम लोग 32 किलोमीटर्स ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। और टाइम हुआ है बस 12 बजे, क्योंकि आज हम लोग सुबह निकले थे तो इसीलिए थोड़ा जल्दी सभी कुछ हो पाया। अभी यहाँ से हम लोग को जाना है बस 10 to 15 किलोमीटर्स आगे, फिर हम लोग का डेस्टिनेशन आज पहुँच जाएगा। फिर वहाँ पे आज हम लोग रेस्ट करेंगे, फिर कल भी ऐसे ही चलेंगे, परसों तो शायद पहुँच जाएंगे हम लोग केदारनाथ जितना हो सके, या फिर परसों हम लोग गौरीकुंड वहाँ पे जो नीचे है वहाँ पे रहेंगे, और फिर उसके बाद एक दिन वहाँ पे होल्ड करके केदारनाथ जाएंगे। वो मुझे पता नहीं है, ये मेरा मन का बात बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। तो शायद वैसे ही हो सकता है। तो कितना हम लोग के पास अभी खाली बचा है, 2-3 दिन। सो जुड़े रहिए, हम लोग को तो बहुत ही मजा आ रहा है, बहुत ही मजा आ रहा है। इतना दूर से इतना ऊपर आ गया ना, पैर भी दर्द कर रहा है, पर पैर के दर्द करने के साथ साथ ये पहाड़ के ये वादियों में घुस जाते हैं हम लोग, एकदम मजा आ रहा है ना। अगर कोई भी सोच रहे कि हम लोग भी जाएंगे इतना दूर निकलेंगे तो फिर अच्छी बात है। तो आप भी जा सकते हैं, आप भी एक्सप्लोर कर सकते हैं ना। नथिंग इज इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है एक्चुअली। तो हम लोग अगर वहाँ से यहाँ तक आ पहुँचे तो आप भी कहाँ से कहाँ तक पहुँच सकते हैं, तो सुन सकते हैं। तो फिर ये रहा आपका लास्ट व्यू। तो यहाँ पे ब्लॉगर भाई स्टार्ट हो चुका है। सो अभी हम लोग जाएंगे आगे। हम लोग रुद्रप्रयाग से लंच करके निकले थे, ठीक है।
तो यहाँ पे भी ना इतना गर्मी है ना, हम लोग ने सोचा था कि यहाँ बस नेपाल पे गर्मी होगा, यहाँ पे पहाड़ों पे तो गर्मी नहीं होगा, बट हैवी गर्मी है भाई। इधर भी 37-38 डिग्री चल रहा है अभी, इधर ऊपर से अप हिल हैवी टफ कर रहा है हम लोग को। फिर भी आज का तो मोटा मोटा खत्म होने वाला है, 10-12 किलोमीटर ही अभी बचा हुआ हम लोग का। आज हम लोग ने प्लानिंग किया हुआ है आपका ये अगस्त्य मुनि वहाँ तक जाने को, ठीक है। तो देखते हैं वहाँ तक पहुँच के हम लोग का, फिर वहाँ से रेज आएगा गौरीकुंड आपका, वैसे 55 किलोमीटर जैसा ही, 50-60 किलोमीटर जैसे ही शायद हम लोग का। टीम से हम लोग का कल फिर मुलाकात होगा, कल होगा मुलाकात, आज तो नहीं होगा, शाम को बात करेंगे कहाँ पे होगा क्या होगा। वो लोग भी पहुँचने वाले हैं, कोई तो दिल्ली से भी निकल गया, कोई आ रहे हैं हरिद्वार होके गंगाधर लेके। हैवी गर्मी है भाई इधर भी, 37-38 उसने इतना अप हिल ऑफ ही रन टफ। नो वी आर गोइंग टू केदारनाथ। रास्ता कितना ऑसम है ना, ये सब पहाड़ को काट के बनाया हुआ है। तो अभी देख सकते हो यहाँ से गौरीकुंड 68 किलोमीटर, यहाँ पे नीचे भी वाव, ये मंदाकिनी रिवर, रिवर मंदाकिनी कितना ऑसम दिखता है यार। यहाँ से ऊपर से फिर पत्थर भी गिरने का चांसेस होता है ना ऐसा वाला पहाड़ पे, तो देख के जाना पड़ता है इधर से। यार देख सकते हो हम लोग यहाँ पे रुके थे जूस खाने के लिए, जूस तो हो गया एक एक ग्लास। यहाँ पे देख सकते हो गाइस केदारनाथ से आ रहा है सब, हालत पतला हो चुका है ना, बाइक में भी ऐसा हालत, बहुत ज्यादा भीड़ है ना ऊपर, बहुत ज्यादा। यहाँ पे देख सकते हो भाई ये सब लोकल, ये बाइक में आया ना, यस बाइक, ये देख सकते हो यहाँ पे बाइक, ये भी बाइक, 3-4 बंदा यूपी से, तो लोकल है ना। ठीक है फिर हम लोग जा रहे हैं, अभी देखते हैं कैसा क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे इतना अच्छा है ना मौसम, अभी हम लोग अगस्त्य मुनि आ पहुंचे, चेक कर सकते हो गाइस इतना यहाँ पे अच्छा है मार्केट लगा है। बहुत ही थक चुके गाइस अभी, आज हो चुका है हम लोग का 50 किलोमीटर, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पे रूम देख के बैठेंगे, बहुत ही ज़्यादा थक चुके हैं। और फिर यहाँ थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, जो भैया लोग हम लोग का आ रहा था वहाँ से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है, और फिर हरिद्वार में बोल रहे हैं कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन बंद हो गया है, नहीं क्या है क्या नहीं है, ठीक है। ये चेक कर सकते हो गाइस ऐसा है, यहाँ से आगे तो एकदम अगस्त्य मुनि का मैप वो बनाया हुआ है। तो शायद यही होगा आज रूम, आज यही होगा शायद रूम। तो अभी हम लोग जाएंगे रूम देखेंगे, तो शायद आज यहीं पे रुकेंगे, चलो चेक करते क्या है क्या नहीं है। यहाँ फाइनली यार इतना थक के आ चुके आज रूम, आज हो गया आपका 50 किलोमीटर कम्प्लीट भाई, देखो आराम हो गया। तो आज हम लोग रुका है अगस्त्य मुनि, यहाँ पे जो जगह है वहीं पे ये चेक कर सकते हो हम लोग का रूम, छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा। सो कल मिलेंगे फिर, आज हो गए थक के चूर, अभी हम लोग फ्रेश होके सो जाएंगे। सो देखते रहिए, हैव अ प्लेस क्या बोलेगा नाइट, अगर रात में देख रहे तो दिन में देख रहे तो डे। सो सी यू टुमारो, बाय, टेक केयर।